हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहम्मद शहजादी, आज की क्लास नंबर 4 आपके लिए। और हमने पिछली क्लासेस में यानी क्लास नंबर 3 तक मैंने कुछ चीज़ें स्टडी की थी, अभी थोड़ा रिवीजन मैं करूँगा आपके लिए। क्लास नंबर 3 तक हमने पढ़ा था कि जब हम पर कॉलोनियल रूल नहीं था तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। फिर इसके बाद देखा कॉलोनियल रूल के दौरान जब उन्होंने हम पर रूल किया, राज किया, और बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में हमारे देश की क्या पोजीशन थी। और इस चैप्टर में हमें उन 6 पॉइंट को स्टडी करना है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। यस, कौन सा पॉइंट मैंने बताया था? इफ़ आई कैन डू, इट मीन टू से इंडस्ट्री सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इट मीन्स टू से ऑन इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर में हम इन 6 पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। और आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा उन 6 पॉइंट में से, वो पहला जो टॉपिक होगा कि हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान टाइम में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजिशन थी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहले थोड़ा सा हम आपको क्लियर करूँगा, फिर डिफिनेशन में आपको बताऊँगा। उस टाइम हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इसका उतना डेवलप नहीं था जिस तरह आज हमारे प्रोडक्ट को सोल्ड एंड परचेज करने के लिए अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट का यूज़ होता है। ओके, मगर पूरी हमारी इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी, क्योंकि हमें अपनी लाइवलीहुड का मेन सोर्सेस इसी एग्रीकल्चर से ही समझ में आता था। ठीक है, और हमारे पास ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई जो है टेक्निक्स नहीं पता नहीं था। तो हमारा जो सेक्टर, जिस तरीके से एग्रीकल्चर जो काम हम करते थे, जिस तरीके से, जैसे फॉर द एग्जांपल, वो हमारे पास ट्रैक्टर नहीं थे, हमारे पास ट्यूबवेल नहीं था, हम बारिश के पानी को पे ही डिपेंड थे कि बारिश होगी तब हमारा जो है क्रॉपिंग होगी, तभी हम जो है फसल को उगाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें इसमें दिक्कतें आती थी, हम डेवलप नहीं थे। ठीक है, और लगभग 2/3 यानी लगभग कह सकते हैं 75% से लेकर 85% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में शामिल थी, और वो भी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस पे। डायरेक्टली तो समझ में आता है कि पूरे सभी लोग एग्रीकल्चर इन्वॉल्व थे, मगर इनडायरेक्टली का मतलब, इनडायरेक्टली में मतलब जो है ऐसे भी फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व थे जो गाय भैंस यानी कि काउ बफेलो बकरियाँ वगैरह पालन करते थे, और उनसे मिल्क वगैरह जो सप्लाई करते थे, उनके उनसे जो भी वो क्या बोलते हैं उसके खाद जो निकलते थे, जो वो जो है गोबर करती थी, और जो उससे खाद निकलते थे उसका वो यूज़ करते थे कहाँ पे, एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में, कहाँ पे, खेतों में। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे। मगर आपको पता ही है कि जब हमें फ्रीडम मिली तो जितने भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे ब्रिटिशर हमसे उठा के लेके चले गए, यानी हमें जो है एकदम खाली छोड़ दिया। हमारे पास जो भी अच्छे रिसोर्सेज थे सबको उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, और जो भी बचे उसको पूरी तरीके से को बर्बाद करके चले गए। और उस टाइम जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या था, थम सा गया था, मतलब रुक सा गया था। इसको रुकने को हम एक वर्ड में कह सकते हैं, एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे थे हम, स्टैग्नेंट पर आ गए थे। अब स्टैग्नेंट क्या होता है, यानी हमारी इकोनॉमी रुक सी गई थी, ना ही यानी जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो ऊपर जा रहा था वो नीचे की तरफ आने लगा, हमारा डेवलप जो है बहुत कम होने लगा, यानी हमारा जो प्रोग्रेस होने वाला था वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ पोजीशन यहाँ पे अब जो है हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी समझ में आ गया कि स्टैग्नेंट क्या होता है, यानी जो हमारी एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था वो रुक सा गया था। तो अभी है यहाँ पे पहला डिफिनेशन आपके लिए कि नियरली 85% अप्रॉक्सीमेट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन अ विलेज एंड ड्राइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, और इवन विथ लार्ज प्रोपोर्शन इंगेज इन एग्रीकल्चर द कंट्री वॉज नॉट हैव सेल्फ सफिशियंट इज फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। अब इसका मतलब क्या है नीचे वाले पॉइंट के, क्योंकि उन दिनों पर हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, बट स्टिल, यस स्टूडेंट, बट स्टिल हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही थी, बल्कि रुक सी गई थी। ठीक है, और वहाँ पे बढ़ सकती थी, मगर हमारे पास वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थे। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, यस आप सही सोच रहे हैं, जिसका नाम क्या दिया गया, स्टैग्नेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे रीज़न फॉर स्टैग्नेंट इन एग्रीकल्चर। तो इसमें जो है 4 पॉइंट आपके आएंगे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, फिर इसके बाद है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी
एंड स्कैर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री। ओके, बाकी हम लोग इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।